हेलो गाइस, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर कार्टून वीडियो अपलोड करके पैसा कमाना चाहते हैं, बट वो जब ये देखते हैं कि भाई मुझे कार्टून वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे कार्टून वीडियो क्रिएट करना होगा और मुझे उस चीज़ के लिए क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहला है कि आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। मतलब आपको सबसे पहले सीखना होगा किस तरीके से कार्टून वीडियो क्रिएट किया जाता है। और सेकंड जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपकी कंप्यूटर, आपको सबसे पहले कंप्यूटर परचेस करना होगा जिससे आप कार्टून वीडियो को बना पाओगे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको दोनों चीज़ों को नहीं करना है, आपको पैसे को अपने इन्वेस्ट नहीं करना है बिना पैसा कमाए, आज की इस वीडियो में आपको तरीका बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से कॉपी पेस्ट करके कार्टून वीडियो को खुद क्रिएट कर सकते हो और यूट्यूब पर अपलोड करके लाखों की अर्निंग जनरेट कर सकते हो। आप यकीन नहीं मानोगे, यूट्यूब पर एक बंदा है वो कार्टून वीडियो को क्रिएट कर रहा है कॉपी पेस्ट करके और महीना कितना पैसा कमा रहा है, बहुत तगड़ा पैसा कमा रहा है। आप उसकी अर्निंग देखने के बाद लिटरली हिलने वाले हो। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप लिटरली हिलने वाले हो, इतनी अर्निंग वो अपने यूट्यूब चैनल से पर मंथ जनरेट कर रहा है। और आप लोग क्या सोचते हो कि भाई मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो हमारा चैनल मोटाइज नहीं होगा? वो बंदा अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब पर मोटाइज भी किए और यूट्यूब पर लाखों में करोड़ों में व्यूज लेकर आ रहा है कॉपी पेस्ट वीडियो पर। आज की इस वीडियो आपको दिखाने वाला उसका चैनल और आपको बताऊंगा भी किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो उस तरह का चैनल और कैसे आपको वीडियो क्रिएट करना है। प्रॉपर डिटेल में आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं, तो प्लीज अभी से करना कि आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए इस तरह का वैल्यूबल कंटेंट लेकर आता रहता हूं। तो मैंने यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आपके सामने ओपन कर दिया है। अब मैं आपको उस बंदे का चैनल दिखाता हूं सबसे पहले, उसके बाद आपको उसकी अर्निंग दिखाऊंगा। ओके, यहां पर मैं यूट्यूब की एप्लीकेशन को ओपन करता हूं। सीधा मैंने YouTube की एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब मैं आता हूं यहां पर सर्च बार में और यहां पर मैं सबसे पहले सर्च करता हूं दूसरा SRL। अब यहां पर देख सकते हो चैनल का नाम ही है दूसरा SRL, ठीक है। और यहां पर आप देखो इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ 92 वीडियोस को अपलोड किया अपने YouTube चैनल पर। और आप यहां पर देखो सब्सक्राइबर कितना गेन कर लिया है, 11.4 लाख सब्सक्राइबर को अपने YouTube चैनल पर गेन कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूं ये किस टाइप की, मतलब किस टाइप की कार्टून एनिमेशन वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसके वजह से इनके चैनल पर वीडियो बहुत कम अपलोड है और सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा गेन हो गए हैं। मैं दिखाता हूं, यहां पर मैं आता हूं शॉर्ट के सेक्शन पर, कोई लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, शॉर्ट वीडियो अपलोड हो रही है। ओके, और यहां पर आप व्यूज देखो, लेटेस्ट वीडियो है और यहां पर आप देखो सबसे पहली वीडियो 51K व्यूज, सेकंड वीडियो देखो 6.4 लाख व्यूज, थर्ड वीडियो देखो आप यहां पर देखो 30 लाख व्यूज वहां पर देखो। और आप देखो यहां पर आपको लेटेस्ट वीडियो में ही बहुत सारी वीडियो ऐसे मिल जाएगी जो करोड़ में पहुंची हुई है, यहां पर आप देख सकते हो। अगर पॉपुलर वीडियो की बात करें तो आप शॉक हो जाओगे, इतनी व्यूज यहां पर आ सकती है कॉपी पेस्ट वीडियो पर। मैं दिखाता हूं, यहां पर आता हूं पॉपुलर के सेक्शन पर और यहां पर आप चेक कर सकते हो 9.1 करोड़ व्यूज, सेकंड वीडियो 7.7 करोड़ व्यूज, थर्ड वीडियो 3.6 करोड़ व्यूज। यहां पर आप देख सकते हो इस तरीके से यहां पर करोड़ों में व्यूज आ रही है। और आप लोग क्या सोचते हो मेरे भाई कि अगर हम कार्टून वीडियो को अपलोड करेंगे कॉपी पेस्ट करके तो हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा? और ये बंदा टोटल कॉपी पेस्ट कर रहा है, टोटल खुद का कोई वीडियो क्रिएट नहीं कर रहा है, टोटल कॉपी पेस्ट कर रहा है। और कहां से कॉपी पेस्ट कर रहा है इस वीडियो आपको डिटेल में बताने वाला हूं। आप भी वहां से कॉपी पेस्ट करके अपने चैनल पर बहुत तगड़ा व्यूज ला सकते हो और पर मंथ बहुत तगड़ी अर्निंग कर सकते हो। अब देखो अर्निंग की बात यहां पर आई है तो आपको इस चैनल की अर्निंग दिखाता हूं, उसके बाद वीडियो दिखाऊंगा कि किस टाइप की ये कार्टून एनिमेशन वीडियो क्रिएट कर रहा है, अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा है। ओके, यहां पर मैं बैक करता हूं, आपको सबसे पहले अर्निंग दिखाता हूं मोटिवेट करने के लिए। आप लोग ऐसे मोटिवेट नहीं होते हो, मैं आपको व्यूज दिखाता हूं, आप लोग मोटिवेट नहीं होते हो, आपको अर्निंग देखने के बाद ही मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि मैं हाँ इस कंटेंट पर आज से ही काम करना स्टार्ट कर दूंगा। टेक्टिव्स भाई मुझे बता रहे तो ये कॉन्टेंट 100% यूट्यूब पर मोनेटाइज होगा, ठीक है। मैं दिखाता हूं, यहां पर मैं जाता हूं गूगल क्रोम पर और यहां पर आप देख सकते हो उस बंदे के चैनल का नाम दूसरा SRL और यहां पर 92 वीडियोस अपलोड है। हम लोग ये चीज़ें करते हैं लास्ट 30 डेज के अंदर इस बंदे के चैनल पर कितना व्यूज आया है मैं आपको दिखाता हूं, आप लिटरली शॉक होने वाले हो, इतना व्यूज ये बंदा लेकर आया अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं दिखाता हूं, सिंपल यहां पर मैं जाता हूं और यहां पर आप चेक कर सकते हो लास्ट 30 डेज के अंदर 200 मिलियन यहां पर व्यूज आया है, 200 मिलियन प्लस यहां पर व्यूज आया है लास्ट 30 डेज के अंदर। और कितना पैसा अपने यूट्यूब चैनल से कमाया है मैं दिखाता हूं आपको, यहां पर मैं स्क्रॉल करता हूं और यहां पर आप चेक कर सकते हो एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग 50.2 करोड़ से लेके 803.5 करोड़ तक ये अपने यूट्यूब चैनल से पर मंथ कमा रहा है, पर मंथ, ये एस्टिमेटेड अर्निंग है।
इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इतना पैसा अपने यूट्यूब चैनल से पर मंथ कमा रहा है सिर्फ कॉपी पेस्ट करके। हम लोग इसको रियल नहीं माने, अगर तो हम लोग सिर्फ उसको मानते हैं $1,000। आप खुद सोचो, $1,000 का इंडियन रुपीज़ में 82,000-83,000 के लमसम हो रहा है। इतना पैसा इंडिया के अंदर रहकर कॉपी पेस्ट करके ये बंदा कमा रहा है, तो आप नहीं कमा सकते हो? बिल्कुल कमा सकते हो। मेरे इस वीडियो को देखोगे आप, आपकी दिमाग खुलने वाला है और आप इस तरह का चैनल बनाकर यूट्यूब से बहुत तगड़ा पैसा कमाने वाले हो। सिंपल, यहाँ पर मैं बैक करता हूँ और आपको दोबारा से उस बंदे के चैनल पर ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप की ये वीडियो अपलोड कर रहा है, किस टाइप की कार्टून एनिमेशन वीडियो अपलोड कर रहा है। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखो लेटेस्ट वीडियो मैं हूँ और यहाँ पर एक वीडियो को प्ले करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखो, दरअसल दोस्तों चोरी के मामले में ये बहुत आगे हैं। इंसानों की चोरी हमने बहुत देखी, आज इन पेंगुइन की चोरी भी देखते हैं। ये इंसान गाड़ी में से उतरकर पेंगुइन के पास आते हैं और इसकी फोटो खींचते हैं। आपने यहाँ पर देख लिया ना, इस बंदे ने अपना फेस भी यहाँ पर नहीं डाला, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस बंदे का चैनल मोनेटाइज है। मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ के साथ। यहाँ पर जाता हूँ कमेंट के सेक्शन पर और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, 22 सुपर थैंक्स का बटन इनेबल है। मतलब ये बंदे का चैनल 100% मोनेटाइज है और जो अर्निंग आपने देखा इसी YouTube चैनल की अर्निंग है। दूसरा SRL, इसी बंदे के चैनल की अर्निंग थी और आप भी कमा सकते हो मेरे भाई, मेरी इस वीडियो को देखने के बाद। अब यहाँ पर और वीडियो देखो इस बंदे की, देखो दोस्तों जब प्यार की कार्टून एनिमेशन वीडियो है, बड़ी हसीन लगने लगती है, करीन और सेम प्यार की वादियों में एक, दोस्तों गर्मी का मौसम है, 150 डिग्री से ज्यादा तापमान पड़ रहा है इन छोटे। अब जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो बीच में आपको वीडियो मिल रही है कार्टून एनिमेशन वीडियो, ये इस बंदे ने खुद क्रिएट नहीं किया है, खुद क्रिएट ही नहीं किया है भाई, कहीं से डाउनलोड किया है जहां से आप भी कर सकते हो। कहां से किया है सब बताऊंगा। अब यहां पर आपने वीडियो देख लिया ना, अब सिंपल यहां से मैं बैक आ जाता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो इस टाइप की वीडियो और यहां पर मिलियन में करोड़ों में व्यूज अपने चैनल पर ला सकते हो। कैसे लाओगे सब बताऊंगा इस वीडियो में। अब हम लोग सीखते हैं कि वीडियो डाउनलोड कहां से करना है, कौन सा चैनल है, कहां से डाउनलोड करना है। ओके, यहां पर सिंपल बैक आना है और आपको करना क्या है, आपको YouTube पर ही रहना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एनिमेशन कार्टून वीडियो। अब यहाँ पर देख सकते हो एनिमेशन कार्टून वीडियो मैंने सर्च किया, आपके सामने बहुत सारी ऐसी वीडियो आ जाएगी जो वो बंदा यूज़ कर रहा है। एक वीडियो में कम से कम 5 वीडियो निकाल रहा है शॉर्ट वीडियो के लिए, ऐसा आप भी कर सकते हो। मैं तरीका बताऊंगा आगे एडिटिंग में, ठीक है? अभी यहाँ पर आप देखो बहुत सारे आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी, बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएगी जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियो बनाने के लिए। सिंपल यहाँ पर देखो, आपको सर्च करना है एनिमेशन कार्टून वीडियो, आपके सामने बहुत सारी मतलब अनलिमिटेड वीडियो आ जाएगी जिसको आप यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पर आप बहुत सारी वीडियो आ रही है, ठीक है? बहुत सारी ऐसी वीडियो है जिसको आप अपनी वीडियो बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर वीडियो अनलिमिटेड है, आपका कॉन्टेंट कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। अब यहाँ से आपको वीडियो डाउनलोड कर लेना है। मैं डाउनलोड प्रोसेस आपको यहीं बता देता हूँ, YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, ठीक है? अब यहाँ से आपने वीडियो डाउनलोड कर लिया, अब इस वीडियो को एडिट करना है। अब एडिटिंग के लिए आपको कौन सॉफ्टवेयर यूज़ करना है मैं बताता हूँ। आप यूज़ कर सकते हो काइनमास्टर भी ये काम हो जाएगा, VN भी यूज़ कर सकते हो, कैपकट भी यूज़ कर सकते हो, पावर डायरेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ काइनमास्टर। तो सिंपल मैं यहाँ पर काइनमास्टर को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप काइनमास्टर को ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, हम लोग को शॉर्ट वीडियो क्रिएट करना है कार्टून वीडियो के लिए। ओके, अब यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर 9.16 को सिलेक्ट करना है, आपका शॉर्ट वीडियो का साइज है, और क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, जो वीडियो आपने डाउनलोड किया है उसको मीडिया लेयर में लेकर आना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ उस फोल्डर में और ये वीडियो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस वीडियो को मैंने डाउनलोड किया है। ओके, यहाँ पर मेरी वीडियो आ चुकी है और इस वीडियो की लेंथ आप देख सकते हो 1 मिनट 57 सेकंड है। अब मुझे इसको कट करके कम से कम 1 मिनट से कम कर लेना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 मिनट से अपने वीडियो की लेंथ कम रखो, जिससे आपकी वीडियो का वायरल होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है? आपको दिमाग में रखना है अपनी वीडियो की लेंथ कम से कम 1 मिनट से कम रखना है। अब यहाँ पर कट कैसे मारना है वीडियो में मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले स्टार्टिंग में आना है, जहाँ तक वीडियो स्टार्ट हुई है सबसे पहला कट वहाँ पर मारना है, ठीक है? यहाँ पर आना है जहाँ तक वीडियो स्टार्ट हुई है, जैसे मेरी वीडियो यहाँ से स्टार्ट हुई है तो सबसे पहला कट मैं यहाँ पर मारूंगा, ट्रिम लेफ्ट मैंने कर दिया और इसके लेफ्ट पार्ट को रिमूव कर दिया। अब आना सेकंड,
सेकंड कट के लिए आपको लास्ट में आना है, और यहाँ पर जैसे मैंने मेरी वीडियो यहाँ पर एंड हो गई, 55 सेकंड मेरी वीडियो एंड हो गई है, अब यहाँ पर मुझे सेकंड कट मारना है। आप बीच में मार सकते हो, अगर आपको बीच में कोई पार्ट पसंद आ रहा है तो आप बीच का ही पार्ट यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ लास्ट का पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मेरी देख सकते हो यहाँ पर 55 सेकंड की वीडियो यहाँ पर आ चुकी है मेरे सामने। अब मुझे इसी में पूरी एडिटिंग वगैरह करना है। अब दूसरा काम करना क्या है आपको इस वीडियो में, आपको दूसरा काम करना है, यहाँ पर जाना है मिक्सर के ऑप्शन पर और साउंड को ऑफ कर देना है। साउंड को 100% आपको ऑफ करना है, नहीं तो वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। आपको साउंड ऑफ कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने साउंड ऑफ कर दिया। अब थर्ड काम क्या करना है, आपको जाना है पैन एंड जूम के ऑप्शन पर। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और इक्वल के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। अब इस वीडियो को एडजस्ट करना है, अपने स्क्रीन पर एडजस्ट करना है, ठीक है, थोड़ा बड़ा करना है। देखो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको बड़ा कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी वीडियो फुल फ्रेम में आ चुकी है। देखो आप फुल फ्रेम में आ गई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है मेरी वीडियो, देखो यहाँ पर आप। अब करना क्या है आपको, फोर्थ काम क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर कुछ हाईलाइट पॉइंट लिखना है, जैसे कि आपको लिख देना है चलाक मुर्गी, जैसे जो आपकी वीडियो हो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, एक हाईलाइट पॉइंट ऐड करना है। अब हाईलाइट पॉइंट को ऐड कैसे करना है, कैसे यहाँ पर टेक्स्ट के फॉर्मेट पे लाना है मैं बताता हूँ। आपको जाना है यहाँ पर लेयर के ऑप्शन पर और यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन पर। अब जो मैंने यहाँ पर सोचा अपने दिमाग में उसको यहाँ पर सिंपल लिखना है, आपको भी इस तरीके से लिखना है। आपकी वीडियो रिलेट करनी चाहिए वो आपको लिखना है, जिससे आपकी वीडियो रिलेट कर पाए। ओके, यहाँ पर मेरी वीडियो मुर्गी है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चालाक मुर्गी, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो चालाक मुर्गी यहाँ पर लिखा हुआ चुका है टेक्स्ट फॉर्मेट में। अब मुझे इसको टेक्स्ट को बोल्ड करना है और बढ़िया सा फॉन्ट ऐड करना है। ओके, यहाँ मैं आता हूँ फॉन्ट के ऑप्शन पर और यहाँ पर एंड्रॉयड में और यहाँ पर रोबोट बोल्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्लिक कर दिया। अब इसको सिंपल यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा। अब इसके ऊपर अगर आप कलर ऐड करना चाहते हो तो कलर भी ऐड कर सकते हो। अब कलर कैसे ऐड करना है वो बताता हूँ। आपको यहाँ पर जाना है यहाँ पर कलर के ऑप्शन पर और यहाँ पर जो कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हो उस कलर को सिलेक्ट करना है और टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया चलाक मुर्गी। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट इसको पूरी वीडियो में अप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ मैंने पूरी वीडियो में अप्लाई कर दिया है। आप चाहो तो अपनी वीडियो पर लाइक चैनल सब्सक्राइब इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर जहाँ पर ब्लैक स्क्रीन आ रही है आप यहाँ पर जो लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हद तक मेरी वीडियो तैयार हो चुकी है। अब इस वीडियो में काम और करना है, आपको वीडियो पर क्लिक करना है और आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एडजस्टमेंट, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ब्राइटनेस को हल्का सा कम कर देना है और कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पर इंक्रीज कर देना है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करना है और सैचुरेशन को भी इंक्रीज कर देना है और वाइब्रेंस को भी इंक्रीज कर देना है। देखो यहाँ पर मैंने वाइब्रेंस को इंक्रीज कर दिया है और यहाँ पर सिंपल ब्लैक आ जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब पर मोनेटाइज नहीं होने वाला है। करना क्या है बताता हूँ आपको। सबसे पहले अपनी वीडियो को देखना है, आपको वीडियो को रीड करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले वीडियो को रीड करना है, उसके बाद करना क्या है आपने वीडियो को समझ लिया है, उसके बाद आपको वीडियो में वॉइस ओवर करना है। अगर आप वॉइस ओवर नहीं करोगे तो आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब पर मोनेटाइज नहीं होने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पर वीडियो आ रही है, ये बंदा भी अपनी वीडियो में वॉइस ओवर कर रहा है, तभी यूट्यूब पर यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ है। पहले आप वीडियो देख लो। अंडे से मोहब्बत कोई किसी को अपना अंडा क्यों ले जाने दे, बत्तख अपने घोंसले को ठीक करता है तो उसका अंडा एक ढलान से नीचे गिरने लगा। आपने यहाँ पर वीडियो देख लिया, इस बंदे ने दूसरे की वीडियो को यूज किया है, दूसरे की कार्टून एनिमेशन वीडियो को यूज किया है, लेकिन अपनी खुद की क्रिएटिविटी भी यहाँ पर ऐड किया है, तभी यूट्यूब चैनल इसका मोनेटाइज हो पाया है। आपको कैसे करना है, अपना वॉइस यहाँ पर रिकॉर्ड कैसे करना है बताता हूँ। आपको यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग का सेक्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस स्टार्ट पर क्लिक करोगे आपको वीडियो को समझना है, उसके बाद अपने ही एक स्क्रिप्ट बनाकर उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करोगे आपकी आवाज़ यहाँ पर आ जाएगी, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है इस तरीके से आपकी आवाज़ भी यहाँ पर रिकॉर्ड होकर आ जाएगी। आपको इस तरीके से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेना है। और सबसे लास्ट काम आपको करना क्या है, एक बढ़िया सी बैकग्राउंड म्यूजिक का भी यूज़ कर लेना है। अब बैकग्राउंड म्यूजिक भाई मिलेगी कहाँ पर, आपको जाना है मेरे टेलीग्राम पर और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे आप टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे। अब देखो बहुत सारे पूछते हैं भाई वहाँ पर लिंक आपने साउंड को अपलोड ही नहीं किया है। मेरे भाई आप वहाँ पर जाओगे, आपको पिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप पिन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारी बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाएगी, जिसको आप डाउनलोड करके अपनी वीडियो पर यूज़ कर सकते हो। आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। अब आप इस वीडियो को हक से YouTube पर अपलोड कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस एक काम आपको लास्ट में और कर देना है, जब आप वीडियो को YouTube पर अपलोड करो
आपको करना है क्या है, जब वीडियो यूट्यूब अपलोड करो, अब जिस चैनल से आपने वीडियो कॉपी किया है उसको डिस्क्रिप्शन में करना क्या है, क्रेडिट दे देना है। अब क्रेडिट कैसे देना है, आपको सबसे पहले लिखना है क्रेडिट बाई, और यहाँ पर तरीके से नीचे एरो लगाकर आपको उस चैनल का लिंक ऐड कर देना है, और जो वीडियो को आपने यूज़ किया है उसकी ओरिजिनल वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देना है, जिससे आप बिल्कुल सेफ रहोगे, आपके चैनल पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बिल्कुल सेफ रहोगे, और यूट्यूब पर अपने चैनल को मोनेटाइज करके आप बहुत तगड़ा पैसा यूट्यूब से कमा पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, सिंपल सा काम करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करना है, आपके दिमाग में कोई ऐसा कंटेंट चल रहा है जिसके ऊपर आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हो, तो प्लीज़ करना क्या है, आपको यहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल रही है, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है, जो कुछ आप सोच रहे हो नया आइडिया है उसको आपको मैसेज करना है, मैं आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, और जो भी आप आइडिया दोगे उसके ऊपर जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते इस तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक से,